Sony Live. We live to entertain. Download the app. लेटेस्ट एपिसोड्स देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. आपके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा. इधर सुनाएं या कहीं और जाके? इधर सुनाते हूँ. इन झील सी आंखों में डूब जाऊं. हाँ हाँ, बार मत आना फिर. फिर डूब जाना. इन झील से आंखों में डूब जाऊं. फिर आदमी डूब गया, अब क्या बोले? वैसे भी मुझे एक सवाल है. तुम पूछो ना, पूछो, मेरी तरफ से हाँ है. ये सिंगिंग के सवाल है. अच्छा, तलत जी आप बता दीजिए, क्या सिंगिंग तभी आती है जब किसी का दिल टूटा है? आपका दिल टूटा है शायद, तो फिर आपको आ गई, बताइए ना. मेरे साथ एक्चुअली उल्टा हुआ. अच्छा, मुझे पहले सिंगिंग आई, बाद में मेरा दिल टूटा. हाय. नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं. इनका दिल नहीं टूटा था, वो ऑर्गेनाइजर ने लिटा के आपकी छाती पे लाते मार के छाती तोड़ी थी. हुजूरे आलो. आलो नहीं, हुजूरे आला. ये तीन है ना, तो आलो हुए ना. आपकी खिदमत में एक शेर छोड़ रही हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए. छोड़िए. ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो. मैंने चाहिए ये औरत भी ले लो. मुशायरे में हिंसा हो रही है. मुशायरा हम यहीं पे खत्म करते हैं. प्लीज हटा जाए. ठीक है, बस पास्कल है. कुश्ती नहीं चल रही. होस्ट है, कंडक्टर थोड़ी. पहली बार मौका मिल रहा है ना, तो इसलिए. हाँ. नमस्कार, सिटी केबल में आप सभी का स्वागत है. मैं हूँ आपकी होस्ट और गोश्त. एक्सक्यूज मी, गोश्त नहीं होता, इट्स घोस्ट. Why are you talking the most? मैंने आपसे बात की, मुझे याद आ गया. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, द जॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, रैविशिंग बम्पर लॉटरी. हमारी इस चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद है अकीरा से सोनाक्षी सिन्हा, और यहाँ पर है फकीरा से डॉक्टर मशहूर गुलाटी. नमस्ते डॉक्टर मशहूर गुलाटी. कितनी मशहूर है. एंड डॉक्टर मशहूर गुलाटी, KHAMOSH. इसका फुल फॉर्म क्या है? तेरे मुंह पे मैंने क्लोरोफॉर्म लगा दिया ना. फुल फॉर्म क्या है? मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा, मैं तो स्पेलिंग बता रहा हूँ. खामोश के, और तेरे को कह रहा हूँ बेवकूफ. अनपढ़ कहीं के. चलिए आपको मिलाते हैं हमारे अगले मेहमान से, जो है शकीरा से टीचर विद्यावती. शकीरा से मतलब? शकीरा इनकी मम्मी का नाम है. एक्सक्यूज मी, शकीरा मेरे पापा का नाम है. Because he has some big bumps, so his hips don't lie. Oh my God. वैसे myself, टीचर विद्यावती, हमारे यहाँ पर उचित दरों पर बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं. मतलब कि दवा के दाम पर डॉक्टर बनाए, like a diamond in the sky. मौसम में इस्तेमाल कीजिए भौजाई रजाई. जी हाँ, ये बहुत गर्म है और बहुत नरम है. और आपकी तरह बेशरम है. अच्छा, मैं बेटा, मैं पहुंच गया. नहीं, लेने मेरे को कोई नहीं आया. ना कोई देने आया, ना लेने आया. मैं पहुंच गया बेटा, तेरे चाचा घर में. बहुत बढ़िया यार. अच्छा, मैं दिल्ली से आया हूँ यार, तेरे से मिलने. तूने मेरे को तरफ देख के मुंह मोड़ लिया. मेरे को तेरा ये मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया. मैं तेरे कह रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. खबरदार, जो तूने मेरे को अपना कजन या भाई बनाया, तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तेरे को. अच्छा, कोई अपने भाई से ऐसे बात करता है? मैं करता है ऐसे बात अपने भाई से. तेरे जैसे चालू आदमी, मैं तेरा गिरा हुआ पर्स ना रखूं, तेरे से रिश्ता कर रखना. मैंने
चलती ट्रेन से मेरे को धक्का दिया था इसने। मैं बता दूं जिद साहब, ठीक से देते ना, आप भी तो यहाँ बैठा नहीं होता। बहुत अच्छी बात की, मेरी तरफ से आपको किस है। इतना मेरे को अच्छा लगा। अरे मतलब मुझसे तो पूछ लो और किस चाहिए कि नहीं चाहिए आपसे। मेरे को कुछ, मेरी बीवी को भी नहीं चाहिए, मैं दे देता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरे को ये कह रहे हैं मैंने धक्का दिया। मैं बताता हूँ, 70 की बात है, मशरूम का बर्थडे था। मैं इसको प्यार से मशरूम कहता हूँ। इसका बर्थडे था तो मेरे कहा छोटे भाई का बर्थडे, तो ऐसे थोड़ी उसका कुछ देना था, मैंने धक्का दे दिया। मैंने कहा मेरे को, अच्छा सारे आगे बहस ने मेरे को बुलाया नहीं, तो मैं बहुत बहुत आपका बेटा, मेरे को आपका मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा मैं, मेरे को एक बात बता, 20 साल हो गए मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, अब तू यहाँ पे टिंडे लेने आया मेरे पास। मैं, मेरे को कोई बिना टिकट आने नहीं दे रहा था, तो मैं जाके घुस गया ट्रेन में। अरे मैं घुस गया, अब यकीन नहीं कर रहा, हाथ उठ गया। हाँ। मेरा हाथ उठ गया, मैंने हाथ उठा के कानों पर रख लिया, मैंने कहा देते रहो गाली। अच्छा एक्सक्यूज मी, हेलो, ये पिंक वाले भाई साहब, हमने आपको कोई निमंत्रण तो भेजा नहीं। देखो बेटा मुझे अरबी तो आती नहीं, निमंत्रण वगैरह तो मैं आ जाता वैसे। मैं बताना भूल गया, मैं मशरूम का, आपके मशरूम लाठी का कलर। यार तुम मुझे मशरूम नहीं कहेगा कभी भी, मशरूम नहीं कहेगा, मैंने तेरे मुंह पे थूक फेंक देनी है यार। मशरूम का तो अब मैं मशरूम, मैंने तो कौन सा तेरी सब्जी बना ली यार। अच्छा मैं साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा नाम, मेरा राजेश गुलाटी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आप जैसे भाइयों की दुआ से बड़ा, दिल्ली में अगर 200 फ्लाईओवर है तो उसके नीचे 12,000 मंगते मेरे अंडर है। आई विल टेल यू, ही इज हेड ऑफ द बैगिंग डिपार्टमेंट। देखा नहीं, सुराक्षी सिर बैठी है। अरे मैं आपका, मैं बात ही नहीं करना, चलो तुम यार, मैं आपको बता रहा हूँ, जा यार मैं तेरे को गंदी गाली दे देनी है। बेटे मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैंने बेटा कहा, आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चों के फ्रेंड आते हैं, मुझे कहते हैं राजेश वी आर फ्रेंड्स। अगर आपको मुझसे एक होप है ना तो बिल्कुल मत रखना प्लीज। मैंने आपकी फिल्म देखी दबंग वाली। हाँ। मेरा हुरूर दबंग निकल गया। एक सन 1999 की बात है। हाँ। एक फिल्म आई थी वो दिलवाले। हाँ। दिलवाले नहीं। हाँ। दूसरी जो मेरी धरती मेरी माँ वगैरह, उसके बाद अगर मुझे कोई फिल्म पसंद आई है तो किस किस को प्यार करूँ, मतलब आप यही नहीं करोगे मतलब बहुत ही। आप जल्दी बैठ जाओ ना, अकीरा यहाँ पे दिखा दूंगी। अकीरा और खीरा दोनों चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। नहीं ये क्या बात हुई, आप अभी तो दबंग के बारे में बात कर रहे थे। देखे बेटे, फिल्म जब हिट होती है दुनिया बातें करती है, दबंग 3 में मैं आपके साथ काम करूंगा, मैंने सोच लिया। पर यहाँ पे जो डिबेट चल रही है उसका क्या भाई, इधर आके बैठो यहाँ पे, इधर आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पता नहीं मैं रोक नहीं पाया आपको देख के। तो हम जरा अपनी डिबेट आगे बढ़ाएं। अच्छा बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपका प्रोग्राम देखा है, सिटी केबल वगैरह, ये प्रोग्राम जो है ना आपका, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है ना आपको? बिल्कुल, प्रोग्राम बहुत अच्छा बेटे, लेकिन आपकी होस्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं कह रहा हूँ। अच्छा मेरे 2-3 दोस्त है दिल्ली में, एक अपना चड्डा है और एक गुप्ता है। अच्छा उनको ऐसी औरतें अच्छी लगती, बड़ी बड़ी सी औरतें। अच्छा मैंने उनको भी दिखाया प्रोग्राम, उनको भी, उनको उनको नफरत होगी, कहते यार ये क्या दिखा रहे हो, और टीवी में कपड़ा डाल दिया, मतलब बहुत ज्यादा आपका मुंह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक होता है कि चलो थोड़ा सा पसंद आता, मेरे को थोड़ा सा भी नहीं आया। आपका मेरे को बड़ा बड़ा पसंद है, आपका तो बड़ा पसंद है बेटे, आप तो मर जाओ। ठीक है मरने से पहले मैं बस ये डिबेट जारी रखना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले हमारी डिबेट में हम चर्चा करना चाहेंगे सोनाक्षी सिन्हा के साथ, हम जानना चाहेंगे सोनाक्षी जी के, आप एक एक्ट्रेस हैं, कलाकारा हैं, आपके पिताजी भी एक एक्टर हैं, कलाकार हैं, तो क्या पहले तुम्हें टॉयलेट आए पहले जाओ, है ना? ऐसे पता आदमी का दिमाग में गैस जड़ जाती है, फिर ऐसी बातें करता हूँ। जाओ बेटा दिन में 10 किया था मेरा क्या भी है। मैं जाकर आई हूँ, रुक जाइए। अच्छा मैं क्या जानना चाहती हूँ कि क्या ये बच्चों के लिए आसान होता है जब उनके माँ बाप सेम प्रोफेशन में हो, तो क्या उनके लिए चीजें आसानी से हो जाती हैं? हाँ कुछ हद तक, आई थिंक हर डॉक्टर भी चाहता होगा कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लॉयर भी चाहता है उसका बेटा लॉयर बने, एक्टर कभी कभी चाहते हैं उनके बेटे एक्टिंग करे। वैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिता इनकी माँ को तंग करते थे, अभी ये हुई है।
अल्लाह मैंने कहा भी। लेटेस्ट एपिसोड्स देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।